हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर, केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। अब जो कपाट खुलेंगे वो अप्रैल महीने में खुलेंगे, जब गर्मियां शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें, देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, केदारनाथ के कपाट बंद हो गए। इस कपाट समारोह में, कपाट बंद करने के समारोह के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों लोग हाथ जोड़कर मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ के कपाट जब बर्फबारी शुरू हो जाती है केदारनाथ में, उस वक्त बंद हो जाते हैं और उसके बाद पूरे सर्दियों भर ये कपाट बंद रहते हैं। दिवाली के दिन आखिरी दिन होता है जब भगवान केदारनाथ के दर्शन खुले रहते हैं, उसके अगले दिन इन कपाटों को बंद कर दिया जाता है। बर्फबारी के दौरान वहां जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है, भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और इसलिए भगवान केदारनाथ को सर्दियों भर के लिए उनके कपाट बंद हो जाते हैं और भगवान केदारनाथ, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, केदारनाथ का भव्य मंदिर परिसर सजा हुआ है फूलों से, मंदिर भी सजा हुआ है फूल मालाओं से और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अब अप्रैल महीने में भगवान केदारनाथ के कपाट आम लोगों के दर्शन के लिए खुलेंगे। योगी आदित्यनाथ जब यहां पहुंचे तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि बाबा केदारनाथ जी का आदेश आया और आज हम उनके श्री चरणों में दर्शनार्थ पहुंचे। आपको बता दें कि कपाट बंद होने से एक दिन पहले रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ पहुंचे। जिस वक्त वो पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ने शाम की आरती में दोनों शामिल भी हुए और आज सुबह वो बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे और जिस वक्त वो वहां पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर केदारनाथ पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि लंबे समय बाद उन्हें उत्तराखंड आने का सौभाग्य मिला है।